नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बेमौसमी बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वहीं शहर में चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई देने लगा है। बाढ़ के पानी के साथ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां बहकर पानी में आ रही हैं, जिससे पुल ब्लॉक हो गए हैं। आपको बता दें कि अचानक हुई बारिश से एक तरफ किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसका सबसे ज्यादा असर गांव चकरपुर में पड़ा है, जहां अचानक से नहर में पानी बढ़ जाने से घरों में पानी भर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक घरों में रखा सामान जलमग्न हो गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते भी देर रात अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करते नजर आए। पुलों के नीचे लगे जाम को जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि जंगल से कूड़ा करकट बहकर आने से पुलों में जाम लग गया है, जिसे हटाकर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जा रही है। यदि शहर की जनता को बाढ़ से कोई समस्या आती है तो नगरपालिका से संपर्क करें। नगरपालिका की टीम एक फोन पर उनके घर के बाहर मदद करने के लिए खड़ी नजर आएगी। बाजपुर से हमारे संवाददाता अंशु अग्रवाल की रिपोर्ट। में पानी घुस गया, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया, मेरे काफ़ी सामान का जो है हानि हुई है, नुकसान हुआ है, और जो है पूरे गांव में जो है पानी आ गया है, जिससे कि काफ़ी सारी फसलें खराब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसकी बार बार सूचना, ये ऊपर से जंगल से जो कूड़ा करकट है जंगलात का, वो कूड़ा बह के पानी के साथ यहाँ आ गया, और हमारी इंदिरा कॉलोनी में जो रेवड़ा पुल है उसके नीचे आके कई ट्राली कूड़ा आके जम गया है, जिससे कि पूरे शहर के अंदर पानी की भरने की संभावना हो गई थी। इसको देखते हुए नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है और जेसीबी हमारी चल रही है। इस पर अब स्थिति जो है कंट्रोल में है और पानी जो है पुल के नीचे से बहना चालू हो चुका है। अब यही अपील करेंगे, भैया जागते रहो, थोड़ा ध्यान रखो, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को फोन करो, हम तुरंत रात को किसी समय भी अगर पब्लिक का आदमी हमें फोन करेगा, नगर पालिका तुरंत उनके दरवाजे पे पहुंचेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।